वेलकम टू साइनेडो। हेलो एवरीवन, आई एम किशन फ्रॉम साइनेडो। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आईसी गेट की वेबसाइट पे डीएससी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को कैसे रजिस्टर किया जाता है, क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है, उसका स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। अगर आपको आईसी गेट की वेबसाइट पे रजिस्ट्रेशन करते टाइम किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो कॉन्टैक्ट अस की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको हेल्प और सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपको रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। आईसी गेट की वेबसाइट पर डिजिटल सिग्नेचर को अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपके पास एक वैलिड क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए। आईसी गेट की वेबसाइट के लिए क्लास 3 इंडिविजुअल साइनिंग प्लस इंक्रिप्शन डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास क्लास 3 डिजिटल सिग्नेचर नहीं है तो वेबसाइट की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप वेबसाइट को ओपन करके डिजिटल सिग्नेचर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आपके पास क्लास 3 वैलिड डिजिटल सिग्नेचर आपके पास होता है, देन आप अपने डिजिटल सिग्नेचर को आईसी गेट की वेबसाइट पे अपलोड कर सकते हैं। वेबसाइट को डिजिटल सिग्नेचर को वेबसाइट पे अपलोड करने के लिए सबसे पहले आपको अपने सिस्टम को कॉन्फ़िगर करना होता है। कॉन्फ़िगर करने के लिए आपको अपने सिस्टम में सबसे पहले जो लेटेस्ट जावा है वो आपको अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करना होगा, एंड आपका अपने सिस्टम पर मोजिला फायरफॉक्स का जो ब्राउज़र है वो आपको अपने सिस्टम पर डाउनलोड करना होगा। सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में जावा वर्जन चेक करना होगा। चेक करने के लिए आपको यहाँ पे सर्च करना होगा कंट्रोल पैनल। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा अनइंस्टॉल एक प्रोग्राम, एंड यहाँ पे आपको अपना जावा वर्जन दिख जाएगा। अगर आपके सिस्टम में कोई भी पुराना जावा इंस्टॉल्ड है तो सबसे पहले आपको यहाँ से उसको अनइंस्टॉल करना होगा, एंड अनइंस्टॉल करने के बाद आपको अपने सिस्टम पर जो लेटेस्ट जावा है वो आपको अपने सिस्टम पर डाउनलोड करके इंस्टॉल करना होगा। जावा का वर्जन आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, एंड वहाँ से आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। सक्सेसफुली जावा इंस्टॉल होने के बाद आपको अपना मोजिला फायरफॉक्स ब्राउजर ओपन करना है। जैसे आप अपना ब्राउजर ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आपको राइट हैंड साइड पे यहाँ पे 3 डॉट्स दिखेंगे, इन पे आपको क्लिक करना होगा, एंड इसके अंदर आपको एक ऑप्शन मिलेगा एडोन्स का। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। एडोन्स के अंदर आपको ऑप्शन मिलेगा प्लगइन्स का। प्लगइन्स के अंदर आपको यहाँ पे जावा के 2 यूटिलिटी मिल जाएंगे, जावा टीएम प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको दोनों यूटिलिटी आपके ब्राउजर में इनेबल होनी चाहिए, जावा टीएम प्लेटफॉर्म एंड जावा डेवलपमेंट किट। दोनों ब्राउजर जो जावा है वो आपके ब्राउजर में इनेबल होने चाहिए। यहाँ पे आपको उसके ऑप्शन मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा ऑलवेज एक्टिव। ये सभी ऑप्शन एक्टिव होने के बाद आप अपना डिजिटल सिग्नेचर आईसी गेट की वेबसाइट पर यूज कर सकते हैं। चेक करने के लिए आपको आईसी गेट की वेबसाइट ओपन करनी होगी। यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा ओल्ड वेबसाइट का। जैसे आप ओल्ड वेबसाइट पे ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, एंड जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा लॉगिन एंड साइन अप। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको एक लॉगिन की विंडो ओपन होगी, एंड जस्ट आपको यहाँ पे एक ऊपर ऑप्शन मिलेगा साइन अप नाउ का। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद एक नोटिफिकेशन आएगी, इस पे आपको ओके पे क्लिक करना होगा। देन एक पेज ओपन होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे अपनी आईसी गेट की आईडी जो भी है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। जो भी आप आईसी गेट की आईडी रखना चाहते हैं वो आपको आईडी यहाँ पे क्रिएट करनी होगी, एंड सेकेंड आपको अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे एंटर करना होगा। ये दोनों डिटेल एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा चेक अवेलेबिलिटी का। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। एक मैसेज ओपन होगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर अपने सिस्टम पे लगा के रखना है। देन आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा यूजर रोल का। यहाँ पे आपको आईसी होल्डर सेलेक्ट करना है, यूजर टाइप आईसी होल्डर, एंड देन आपको यहाँ पे अपना आईसी नंबर एंटर करना होगा। आईसी नंबर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा वेरीफाई। इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप वेरीफाई ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको जो आईसी की डिटेल है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी, जिसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको लास्ट में अपने जो भी पोर्ट आप अपने आईसी गेट अकाउंट में ऐड करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे पोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कन्फर्म का।
इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको सबसे पहले जावा रन होगा। यहाँ पे आपका सक्सेसफुली जावा रन होना स्टार्ट हो जाएगा। सक्सेसफुली जावा रन होने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा इन स्लाइस का, देन आपको अपने यहाँ पे डिटेल्स एंटर करनी है। एंड देन आप जैसे ही आप डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नेम एंटर करना है, मोबाइल नंबर, यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अगर आपकी प्राइवेट लिमिटेड या पार्टनरशिप फॉर्म है देन आपको यहाँ पे एक ऑथराइजेशन लेटर अपलोड करना होगा कंपनी के लेटर हेड पे। सेकंड आपको यहाँ पे आईसी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा सेल्फ अटेस्टेड। एंड थर्ड आपको यहाँ पे आधार कार्ड सेलेक्ट करना होगा, यहाँ पे आपको अपना आधार कार्ड नंबर एंटर करना होगा एंड यहाँ पे आपको आधार कार्ड की कॉपी अपलोड करनी होगी सेल्फ अटेस्टेड। ये सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स टाइप सेलेक्ट करना होगा, जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स टाइप है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं कंट्रोल प्रेस करके। देन आपको यहाँ पे अपना डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करना होगा। डिजिटल सिग्नेचर अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर टू अपलोड डीएससी, देन आपको यहाँ पे ओके ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे एक अलाउ का ऑप्शन मिलेगा, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे आप अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी, यहाँ पे आपको अपना डिजिटल सिग्नेचर दिखने लग जाएगा। यहाँ से आपको अपना जो भी डिजिटल सिग्नेचर है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे ओके ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। सक्सेसफुली सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे एग्री एंड डाउन के ऑप्शन पे क्लिक करके कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप कंफर्म के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे नेक्स्ट पेज ओपन होगा, यहाँ पे आपको एक रजिस्टर ईमेल आईडी पे एक ओटीपी जाएगा, वो आपको ओटीपी यहाँ पे एंटर करके यहाँ पे सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप सबमिट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे क्या आपका मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट आपकी जो रिसीव डिटेल्स है वो हम यहाँ पे रिसीव हो चुके हैं सक्सेसफुली, 72 आवर्स में आपका अकाउंट क्रिएट करके आपको डिटेल सेंड कर दीजिए। तो इस तरह से आप आईसी गेट की वेबसाइट पे डिजिटल सिग्नेचर को अपडेट और अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको आईसी गेट की वेबसाइट पे डिजिटल सिग्नेचर या रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कोई भी आपको प्रॉब्लम या इशू आते हैं तो कॉन्टैक्ट अस की डिटेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके जो भी आपको हेल्प और सपोर्ट रिक्वायर्ड है वो आप वहाँ से ले सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे आपको रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे जो आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकते हैं। टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे। प्लीज सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस बेल बटन फॉर द लेटेस्ट अपडेट एंड इन्फॉर्मेशन।